तारड़ साहब, फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खित्ते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया क्योंकि लड़ाई तो यही थी। दिस इज वेयर यू स्टैंडिंग एट। आप ये ख्वाब छोड़ दें, ये ख्वाब नहीं था, पहले भी फिक्शन था कि भारत को हमने चौधरी नहीं मानना। अमेरिका अब फ्यूचर में आपसे बात करेगा वाया इंडिया। कि मेरे एक दोस्त यहां से, अमेरिकन दोस्त जो है, रिसेंटली भारत गए और उन्होंने आके मुझे बताया। उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते, वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी क्यूआर कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं। रोहित भाई, इंडिया इतना आगे निकल चुका है, वो तो हम सनातनी है, हम इसकी कोई कोई ज़रा बखान या गुणगान नहीं करते। वी हैव अचीव्ड माइल्स एंड वी हैव ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स। और प्लस जो ग्लोबल लेवल पे इंडिया की पॉपुलैरिटी है और इंडिया को जो इतनी सारी कंट्री सपोर्ट करती है। साहब, ये तो मुल्क के अंदर अफरा तफरी है। आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा और हमें ये कहा जा रहा है कि अपनी साइड क्लियर करें, तो हम किधर फंस गए हैं तारड़ साहब इस सारी पॉलिटिक्स में? देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं हम सीधी सादी बात करते हैं। हम अपने हालात को इतना बुरा किया है कि अब हम जाके फंस गए हैं आईएमएफ के पास। ये देखना होगा आपको। आप अंधेरों में रहना चाहते हैं, आप खुदा रा ये जिहाद और अपने ये फेक, जो आपके फेक लीडर्स हैं, इनसे बचें आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ सालों के अंदर भारत के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है और हो रहा है, उनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। वैसे तो दुनिया नॉर्मली यह सब जान रही है कि इंडिया के अंदर इकोनॉमी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और उसी के साथ इंडिया की पॉलिटिकल पावर बढ़ रही है और साथ ही साथ इंडियन सीईओ दुनिया के अंदर छा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे इंडिया ने फिनोमिनल तरीके से आश्चर्यजनक रूप से काम किया है और उन कई चीजों के अंदर डिजिटल इंडिया के तहत भारत के अंदर यूपीआई पेमेंट सिस्टम, जिसने पैसे को डिजिटली ट्रांसफर के मामले में एक क्रांति ला दी है। और आलम यह है कि इंडिया ने मनी डिजिटल ट्रांसफर में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, दुनिया में नंबर वन पे है। और यह इस हद तक पॉपुलर है कि आप देख सकते हैं कि इंडिया के हर छोटे बड़े दुकान पे क्यूआर कोड पेमेंट सिस्टम लगा होता है, चाहे वह कोई चाय वाला ही क्यों ना हो या फिर एक सब्जी वाला ही क्यों ना हो। और कमाल की बात यह है कि ऐसी फैसिलिटी यहां तक कि अमेरिका में भी अभी नहीं है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। तारड़ साहब, बात तो ये चल पड़ी है कि हमें तो ये था कि आईएमएफ पैसे देगा, लेकिन वो तो आज खबर आ रही है कि आईएमएफ पाकिस्तान पे प्रेशर डाला जा रहा है कि यहाँ आप चाइना की तरफ जाना है तो उधर जाएं या अमेरिका की तरफ आएं। क्योंकि ये एक बड़ी अजीब किस्म की डेवलपमेंट है। पाकिस्तान ये समझता था कि हमें पैसे मिल जाएंगे, इस तरह कभी आईएमएफ ने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर नहीं डाला। तो पाकिस्तान तो न्यूट्रल रहना चाहता था और चाहता था कि हम चाइना से भी फायदे लें और अमेरिका से भी फायदे लें। तार साहब, ये तो मुल्क के अंदर अफरा तफरी है। आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा और हमें ये कहा जा रहा है कि अपनी साइड क्लियर करें, तो हम किधर फंस गए हैं तारड़ साहब इस सारी पॉलिटिक्स में? देखिए जी मैं साहब, अब दर हकीकत अब हकीकतें खुलती जा रही हैं। अमेरिका ने तकरीबन लगभग 10 साल पहले ये डिसाइड कर लिया था कि छोटे कॉन्फ्लिक्ट से निकल के चाइना को कन्फ्रंट करना है। अगर ना डोनाल्ड ट्रंप साहब उसके ऊपर टैरिफ लगाकर ना रोकते उनकी तरक्की को, तो वो अमेरिकन इकॉनमी को क्रॉस करने के कर चुके होते आज तक। अब उनके पास, अमेरिका के पास कोई चॉइस नहीं है कि अपने एलाइज को देखे, अपने अपने दोस्तों को और दुश्मनों को जो है वो अपनी ग्रुपिंग स्ट्रॉन्ग करे। अब उस ग्रुपिंग में इस वक्त वो पाकिस्तान से यही पूछना चाहते हैं कि आइदर यू आर देयर और यू आर हियर। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि फ्यूचर के अंदर अमेरिका पाकिस्तान से डील करेगा तो हमेशा भारत को पूछ के करेगा, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है इस वक्त। तो तारड़ साहब, फिर ये तो जो 75 साल से पाकिस्तान की लड़ाई है कि हमने इंडिया को खित्ते का चौधरी नहीं बनने देना, तो फिर वो इंडिया तो चौधरी बन गया क्योंकि लड़ाई तो यही थी। तो इट मींस के बात तो फिर जो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि इंडिया को चौधरी माने। देखें, मैं उसके एक फंडामेंटल रीजन क्या, आपके आपकी गेम हारने की फंडामेंटल रीजन क्या है। सबसे पहले जब यहां से मुगल निकल कर गए थे तो इस रीजन के अंदर उनके खिलाफ नवरतें दी और उनका साथ दिया मौलवियों ने, उन्होंने इंग्लिश पे दिए फतवे, आपने इंग्लिश पढ़नी छोड़ दी, आप सीधी खिलाफत उस्मानिया के साथ जुड़ गए जाके। दूसरे जो लोग रहते थे भारत में, आपको 100 साल का गैप वहीं देख गए। आज मेरा ये क्वेश्चन आप है चीमा साहब, आप पीएचडी इंटरनेशनल रिलेशंस में, पाकिस्तान में एक भी इंस्टीट्यूशन बताएं जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टक्कर का हो, एक भी। 30,000 मदरसा बनाया गया, 30,000,
और जो दूसरे स्कूल है उनमें कहते हैं उर्दू पढ़ाए। ऋषि सोनक पागल है जो वो भारत में उनको कह रहे हैं इंग्लिश और मैथ पढ़ो, आप एयर में फारसी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आजाद कश्मीर के अंदर इस वक्त लाभ बना दिया गया है कि टीचर वहां पे हिजाब पहनकर। अब अगला स्टेज क्या है, 3 साल बाद बुरका। दिस इज वे यू स्टैंडिंग है। आप ये ख्वाब छोड़ दें, ये ख्वाब नहीं था, पहले भी फिक्शन था कि भारत को हमने चौधरी नहीं मानना। देखिए सबसे पहली चीज तो आपको वहां से क्या सीखनी चाहिए, डिप्लोमेसी की बात, G20 की बात तो बाद में करते हैं, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए उन्होंने तरक्की किस तरह की है, उन्होंने डिजिटाइज इंडिया किस तरह किया है, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, तालीम में सबसे आगे है। कि प्लीज सी हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूशन है जो इस वक्त भारतीय इंस्टीट्यूशन के टक्कर के हैं, एक भी नहीं है। कि मेरे एक दोस्त यहां से अमेरिकन दोस्त जो है रिसेंटली भारत गए और बिलखसूस वो रिसर्च करने गए कि किस तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं। उन्होंने आके मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते वहां पे गलियों चौकों के अंदर ठेले वाले हैं, उनके पास भी QR कोड्स हैं, वो भी वीजा मास्टर कार्ड एक्सेप्ट कर रहे हैं, सड़क के ऊपर जूस बेचने वाला है वो भी QR कोड के साथ चला रहा है। ये देखना होगा आपको, आप अंधेरों में रहना चाहते हैं, आप खुदा रा ये जिहाद और अपने ये फेक जो आपके फेक लीडर्स हैं इनसे बचें आप। अगर आपको वो गैप दे चुके हैं इतना इकॉनमी में हर चीज फील्ड के अंदर, आप लर्न करें। मेरी रिक्वेस्ट हमेशा ये होती है हमारी यंग जनरेशन से कि वॉच इंडियन चैनल्स, शायद आप वहां से कुछ चीजें पिक कर सकें। आपको पता भारत इज नाउ टू गिव 35% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड, स्पेस में भारत आ गए और हमने अपने UPI 18 कंट्रियों में है और 12 कंट्रियों के साथ टाइप हो गया। हमारे यहाँ सेकंड बिगेस्ट अब रोड नेटवर्क है रोहित भाई, आफ्टर US, इट्स नॉट चाइना, इज अस। और आपको आज एक और शुभ समाचार सुनाऊं, आपने देखा फॉक्सकॉन का 700 मिलियन का कारखाना यहाँ आ रहा है चाइना से निकल के। ये फॉक्सकॉन वही है ना जहाँ पे हंगामा हुआ था और वो कोविड टाइम पे और बहुत सारे लोग मारे गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, ये वही फॉक्सकॉन है। We have sold highest number of mobile phones. हमारा mobile phone for exports भी $10 billion. और हमारी जो trains हैं, America और Canada जो train जा रही है metro train, वो भारत से जा रही है। हम 470 engine export कर रहे हैं बाहर, electrical engine, पूरे Africa में, पूरे Europe में हम export कर रहे हैं। यही नहीं, we will be the first ones to export the hydrogen train. हमारा जो system है railways का कवच ऑलमोस्ट सब अफ्रीकन कंट्रीज यूज कर रही है, which prevents crashes and failures. अभी हमने देखा होगा ग्रीस में क्रैश हुआ तो ग्रीस ने भी हमसे कवच मांगा है। रोहित भाई, इंडिया इतना आगे निकल चुका है आपके हमारे सामने, वो तो हम सनातनी हम इसकी कोई ज्यादा बखान या गुणगान नहीं करते। वी हैव अचीव्ड माइल्स एंड वी हैव ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स। इंडिया में ऑलरेडी काफी बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। उनकी इंडस्ट्री की बात करें तो उनकी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो हमसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह यह कि उनके लोकल इन्वेस्टर को उनकी हुकूमत ने ज़्यादा बेनिफिट दिया है, उसको अच्छा एंटरटेन किया है, इसकी वजह से वो लोग खुद अपने इंडिया में ही इसको इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं।